Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये वीडियो में हम देखेंगे LRU page replacement. अगर आपने ये टॉपिक के पहले वीडियोस देखे नहीं होंगे तो आपको वीडियो के ऊपर लिंक होगी, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो. यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है. कंसिडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 1234125 1234 5 फॉर अ मेमोरी विथ 3 frames. और हमें फाइंड करना है हाउ मेनी पेज फॉल्ट वुड ऑकर फॉर द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिदम. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं LRU. तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग दी है तो हमें लिख देना है. यहाँ पे फ्रेम साइज दिया है 3, यानी आपको 3 ब्लॉक्स बनाने हैं टोटल. स्ट्रिंग साइज दिया है 12, तो यानी आपको टोटल 12 मेमोरी ब्लॉक्स बनाने हैं. तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए LRU में अगर फ्रेम साइज अगर दिया है 3 तो पहले 3 एलिमेंट्स का हमेशा पेज फॉल्ट होगा. तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे 1, तो यहाँ पे होगा फिर पेज फॉल्ट. नेक्स्ट एलिमेंट है 2, तो 1 ऑलरेडी स्टोर्ड है तो आप लिखेंगे फिर हम 1, और फिर हम एंटर करेंगे 2, तो यहाँ पे होगा फिर पेज फॉल्ट. नेक्स्ट एलिमेंट दिया है 3, तो 1 2 ऑलरेडी स्टोर्ड है तो आप लिखेंगे फिर हम 1 2, और फिर हम एंटर करेंगे 3, और यहाँ पे फिर होगा पेज फॉल्ट. तो देखिए यहाँ पे मेमोरी ऑलरेडी फुल हो चुकी है. फिर हमें नेक्स्ट एलिमेंट से हमें इसका रिप्लेसमेंट करना है. तो नेक्स्ट एलिमेंट दिया है 4. तो LRU सॉल्व करने का तरीका ऐसी है, तो आपको देखना है लेफ्ट साइड में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट एंटर हुआ था, वो एलिमेंट को आपको रिप्लेस करना है. तो फिर हम ये एलिमेंट्स देखेंगे, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट एंटर हुआ था. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है. यानी आपको 1 को रिप्लेस करना है 4 से. तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 4 2 3, और यहाँ पे होगा फिर पेज फॉल्ट. और नेक्स्ट एलिमेंट है 1. तो फिर हम चेक करेंगे ये एलिमेंट से पहला एलिमेंट कौन सा एंटर हुआ था. तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. एंड आपको 2 को रिप्लेस करना है 1 से. तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 4 1 3, और यहाँ पे होगा फिर पेज फॉल्ट. और नेक्स्ट एलिमेंट है 2. तो फिर हम ये एलिमेंट से चेक करेंगे सबसे पहले कौन सा एंटर हुआ है. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 है. तो आपको 3 को रिप्लेस करना है 2 से. तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 4 1 2, और यहाँ पे होगा फिर पेज फॉल्ट. और नेक्स्ट एलिमेंट है 5. तो फिर हम चेक करेंगे ये एलिमेंट से पहला एलिमेंट कौन सा एंटर हुआ है. तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है 4. एंड आपको 4 को रिप्लेस करना है 5 से. तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 5 1 2, और यहाँ पे होगा फिर पेज फॉल्ट. और नेक्स्ट एलिमेंट है 1. तो ये ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है तो हमें यहाँ पे वैसे वैसे लिखना है. तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 5 1 2, और ये होगा फिर पेज इट. नेक्स्ट एलिमेंट है 2. तो ये भी ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 5 1 2, और ये भी होगा फिर पेज इट. और नेक्स्ट एलिमेंट है 3. तो हम ये चेक करने के लिए हमें जहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ है वो ब्लॉक्स हमें छोड़ देना है, और हमें नेक्स्ट एलिमेंट से हम उसके आगे के एलिमेंट चेक करेंगे. तो यहाँ पे दिया है 5 1 2. तो देखिए सबसे पहले 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. एंड आपको 1 को रिप्लेस करना है 3 से. तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 5 3 2, और यहाँ पे होगा फिर पेज फॉल्ट. और नेक्स्ट एलिमेंट है 4. तो फिर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 है, और हमें ये कॉलम छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ था. और नेक्स्ट एलिमेंट है 5, और फिर है 2. एंड आपको 2 को रिप्लेस करना है 4 से. तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 5 3 4, और यहाँ पे होगा फिर पेज फॉल्ट. और नेक्स्ट एलिमेंट है 5. तो ये ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है तो हमें यहाँ पे वैसे वैसे लिखना है. तो आप लिखेंगे फिर हम 5 3 4, और यहाँ पे होगा फिर पेज इट. फिर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट. फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है LRU के लिए 9. सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ये ख़त्म होता है. इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा. सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव